नमस्कार, मैं तनवीर अली, अपना बिहार मेरे YouTube चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्क्रीन प्रिंट की। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने मुझे कॉल करके ये पूछा था कि स्क्रीन प्रिंट में किस केमिकल का और किस कपड़े का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस विषय में सारा प्रोसेस जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है नौशाद अंसारी साहब, ये हमें पूर्ण तरीके से डिटेल्स देंगे। तो आइए फिर उनसे कुछ जानते हैं कि कैसे प्रिंट किया जाता है। मैं माइक को निकाल लूँ। ऐसा फ्रेम लेंगे, ये लकड़ी का फ्रेम जो बाज़ार में 45-50 रुपए की आती है। उसके बाद ये कपड़ा है, ये कपड़ा जैसे कपड़े का कई सारा नंबर होता है, 100 नंबर, 120 नंबर, इसी तरह करके नंबरिंग हिसाब से कपड़ा होता है। तो हम लोग ठीक ठाक नॉर्मल एक मतलब मीडियम रेंज में बनाने के लिए 120 नंबर का इस्तेमाल करेंगे। उसका प्रिंट भी अच्छा आता है और कपड़ा जल्दी फटता नहीं, कपड़ा भी लास्टिंग करता है, अच्छा कपड़ा है। 120 नंबर सही है, मतलब ठीक ठाक है, काम चल। पहले हम इसका फर्मा बनवा लेंगे, फिर उसके बाद हम इसका डिजाइनिंग निकलवाएंगे। चप्पल की डिजाइन है तो इसे थोड़ा दिखाइए। तो ये डिजाइन हम लोग इस तरह का है, ये एक्चुअल में दो कलर का है हमको, ये दो कलर में, दो कलर में। हाँ, तो दो कलर में पहला पार्ट ये है, ये वाला जी, ये पहले है, उसके दूसरा ये है, ये दूसरा नंबर। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इसे बनवाने में कितने रुपए की लागत रहती है, सिर्फ डिजाइन बनवाने में, और इसे हम कहाँ से निकलवा सकते हैं? ये कोई भी DTP जो करते हैं, जो डिजाइनिंग करते हैं, उनसे निकलवा सकते हैं। इसको ट्रेसिंग पेपर बोलते हैं। तो ये 50 रुपये लेता है एक ट्रेसिंग पेपर का। तो जैसा कि इसमें दो कलर जी, दो कलर का प्रिंट होगा, तो ये एक डिजाइन अलग हुआ, ये एक अलग हुआ। तो इसका 50 रुपये अलग और इसके 50 रुपये अलग। मतलब एक चप्पल पे अगर दो तरह की डिजाइनिंग हम कर रहे हैं, तो दो डिजाइन बनवाएंगे सबसे पहले, और दो तरह का फर्मा भी पहले बनवाएंगे ना। दो डिजाइन रहने का मतलब, अगर दो कलर करना है तो आपको दो फ्रेम बनवाना होगा, इस तरह का दो फ्रेम। हाँ, ये तो हो गया दूसरा नंबर, इसका हो गया, और एक इसके लिए चाहिए, एक इसके लिए चाहिए, इसका भी रखा होगा स्क्रीन, हम दिखा नहीं सकते कहीं रखा होगा। और इसमें दो स्क्रीन का यूज होगा, मतलब दो ब्लॉक का यूज किया जाएगा, एक तो इसका और दूसरा इसका, दो कलर में। अगर ये वैसे ही तीन कलर का रहा, जैसे देखिए ये तीन कलर है, वाइट है, येलो है और रेड है, तीन कलर, तो इसका तीन फ्रेम बनवाना होगा आपको। मतलब जितना तरह का कलर रहेगा, सॉरी, जिस तरह का आपका डिजाइन रहेगा, उतना प्रकार का आपको ब्लॉक बनवाने पड़ेगा। तीन डिजाइन आएंगे, एक ही चप्पल में तीन डिजाइन है, तो आप कहने का मतलब तीन ब्लॉक बनाइए, उस सारा तीन तरह का कपड़ा भी दीजिए। तो एक अगर हम सिंपल से सी बनवाते हैं, एक ही तरह का डिजाइन, एक ही कपड़ा में, एक ही फ्रेम में, तो कितने रुपए की खर्च आती है? ये तो अगर एक ही कपड़ा में बनवाइएगा, तो मतलब एक डिजाइन में, एक तरह का डिजाइन में अगर हुआ, एक कलर में सिर्फ, तो आपको 250-300 रुपए में आ जाएगा। बढ़िया क्वालिटी, हाँ, पूरा कंप्लीट। हाँ, और ये वाली जो चप्पल है दोस्तों, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये वाली चप्पल, इसमें दो तरह का कपड़ा का और दो तरह का डिजाइन का इस्तेमाल किया गया है। ये नौशाद अंसारी साहब ने खुद अपने कारखाने में इसे रेडी किया हुआ है, क्योंकि काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। तो अब मेरे व्यूवर्स को आप बताइए, जो मेरे दर्शक हैं, कि आपने कहाँ से ये बनवाया है, क्या आप बता सकते हैं इसके बारे में कुछ? अगर कोई भी मेरे व्यूवर्स अगर खुद से जो बिजनेस अभी कर रहे हैं, जो स्टार्ट नहीं कर, जो कर रहे हैं, वो अगर बनवाना चाहें तो कहाँ से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं? ये कहीं भी जहाँ स्क्रीन प्रिंटिंग का रॉ मटेरियल मिलता है, तो हर शहर में होगा, छोटा बड़ा स्क्रीन प्रिंटिंग तो हर जगह होता है, शादी का कार्ड छपता है, हर कुछ होता है। तो जहाँ रॉ मटेरियल मिलेगा स्क्रीन प्रिंटिंग का, वहाँ सारा चीज़ मिल जाएगा। आप तो नए जो बिजनेस कर रहे हैं, चप्पल वाले जो बिजनेस कर रहे हैं, इसका बिजनेस बहुत जल्दी ग्रो कर रहे हैं, तो जो शरीफ लोग होते हैं, जो इस विषय में उनको काफ़ी कम नॉलेज होती है, उनसे मुझे बहुत सारे फ़ोन आए हैं, उनसे 2000 रुपये एक एक स्क्रीन के लिए, सिर्फ 2000 रुपये 1000 रुपये ले लिया था, क्या वो गलत है या फिर सही है? नहीं, एकदम गलत है, उतना तो नहीं लगता है। खैर, अगर अच्छा से अच्छा हम लोग भी बनवाने जाएं स्क्रीन, ये तो मैंने 120 नंबर कपड़े का बताया, 300 रुपये, मतलब 300 रुपये में आ जाएगा, 250 या 300, उससे ज़्यादा नहीं जाते हैं। तो अगर अच्छा क्वालिटी में जाएं, तो कम से कम 450 रुपये, उससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, एक कलर का। हाँ, एक कलर का। तो मतलब उनके कहने का मतलब ये है, जो भी जिससे ज़्यादा पैसा लिया गया है, उन्हें शरीफ का उन्हें फ़ायदा उठाया जा रहा है, जिस तरह से बिजनेस दिन पर दिन बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है, तो इस लाइन में आने वाले लोगों को आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं मतलब बता दूं कि ये इस लाइन में, मतलब चप्पल की लाइन में, बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। आप भी यूट्यूबर हैं, बुरा मत मानिए, तो मतलब यूट्यूब के जरिए ही लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। मतलब कुछ मशीन बेचने वाले लोग जो ये मशीनरी का काम करते हैं, वो मशीन बेचने का चक्कर में
मतलब इतना आसान दिखा दे रहे हैं कि चप्पल का धंधा कीजिए, इतना आसान है, आप रोज़ 20,000 रोज़ 50,000 कमाइए, ऐसा नहीं है। कोई भी काम करने जाइए उसमें बहुत सारा मेहनत लगता है। एक चप्पल बनाना मतलब कितना प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, इसका सारा प्रोसेस हम आपसे ही जानेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इस विषय में काफ़ी जानकारी भी देंगे। अभी इस विषय में हम लोग बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो जैसा कि हम दोस्तों आपने सबने देखा कि स्क्रीन प्रिंट हुआ किस हिसाब से किस कपड़े का इस्तेमाल होता है और किस फार्मा का इस्तेमाल होता है, तो साधन सारी साहब ने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया होगा, मुझे उम्मीद है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों एक और बात, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ आपके लिए।